जिंदगी बेकार है, इसलिए मैं तुम्हारी भी जिंदगी बेकार करने वाला हूँ। कल रात को मैंने अगरबत्ती की रोशनी में 500 एनर्जी ड्रिंक पीकर तुम्हारे पेपर चेक किए। अरे तालियां क्या बजा रहे हो? और परी, तुम्हें तो इतने मार्क्स मिले ना कि उसमें मैं 40 मार्क्स भी जोड़ दूं ना और फिर भी तुम फेल ही होगी। हाँ, और इसीलिए कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी है और उसमें तुम्हें अपने पेरेंट्स को लाना है, पिछली बार जैसे भूल नहीं जाना है। परी, इतने गंदे मार्क्स, शर्म नहीं आई तुझे? मम्मी, वो क्या सब्जी है क्या? अच्छे अच्छे उठा कर लेके आओ। ओ ये बात आज से तुम्हारा मोबाइल बंद, टीवी बंद, बाहर खेलना बंद और सांस लेना भी बंद। मेरे दुश्मन को लाऊंगी पर मम्मी को बिल्कुल भी नहीं। हाय दीदी, क्या कर रही हो? वाव दीदी, आपका ड्रेस कितना अच्छा है, ब्लू कलर। वाव, मेरा फेवरेट कलर है और आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। न्यू लिपस्टिक बहुत अच्छी है, शेड बहुत अच्छा है। वाओ, आप कितनी अच्छी लग रही हो। वाओ, मेरी प्यारी दीदी, किसी की नजर ना लगे। हाँ परी, ये सब ना बकवास बंद करो और बोलो क्या काम है। दीदी, मेरे क्लास टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं क्या करूँ, मिठाई बांटू? मिठाई तो मत बांटो पर मुझे जूते खाने से बचा लो, क्योंकि मुझे कम मार्क्स आया और स्कूल में कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। ठीक है ठीक है, चलो मैं संभाल लूंगी। थैंक यू दीदी। स्कूल में 11 बजे आना। हाँ, एक मिनट, स्कूल में क्या 11 बजे आ जाओ, मैं क्यों हूँ स्कूल में? दीदी, आपने तो बोला कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। एक मिनट, तुम्हें मम्मी ना जो 4 जूते मारने वाली थी ना, उसमें से एक जूता मैं कम करवा दूंगी, वो संभाल लूंगी, समझी ना? दीदी क्या, कल प्लीज मेरे स्कूल में आओ ना, मम्मी बन के बस। हाँ, आपसे मम्मी के जैसे ही दिखती हो। मैं मम्मी बन के आऊँ? हाँ, अगर हमारे रियल मम्मी को पता चला ना, दोनों को ना दौड़ा दौड़ा के मारेगी। मैं ये सब दीदी प्लीज ना। तो ठीक है, 2 दिन के लिए रिमोट आपका। नहीं तो फिर मेरी जो न्यू चॉकलेट है ना, वो आपकी। नहीं, और फिर मेरी एक महीने की पॉकेट मनी आपकी। 3 महीने की पॉकेट मनी, 3 हफ्ते का रिमोट और तुम्हारी सारी चॉकलेट मेरी। दीदी, आप ना मौके का फायदा उठा रही हो। ठीक है, मैं नहीं बनूंगी मम्मी। और परीज लाइफस्टाइल के जो सारे प्रोडक्ट तुम्हारे पास है ना, वो सब मेरी। दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं मम्मी को बोल दियो। दीदी, आपको परिसर के प्रोडक्ट चाहिए ना, तो नीचे लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके खरीद लो ना। मुझे ना तुम्हारे ही प्रोडक्ट चाहिए, दो मुझे अभी। ठीक है, ये सिपर पे तो मेरी कब से नजर थी, जब से तुम्हें मिला। कितना अच्छा सिपर है। वाह, मुझे तो बॉटल भी मिल गई, ये पाउचेस भी। अब मैं सारी चीजें कॉलेज में लेके जाऊंगा। अच्छा बोलो, कितने बजे आना है कल स्कूल में? स्कूल में कल 11 बजे, अच्छे से रेडी होकर आना। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आ गई तुम? अकेली आई हो? नहीं, मम्मी बाहर बैठी है। बाहर क्या करना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, बाहर थोड़ी होने वाली है, बुला के लाओ उनको। सर, हाँ? वैसे मेरे मम्मी को ना, हाँ? दौरे पड़ते हैं। दौरे पड़ते हैं? हाँ, दौरे। तो दौरे पड़ते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, बुला के लाओ। थोड़ा सा आप संभाल के रहना।
हाँ बुला। हाँ हाँ मम्मी। हेलो सर। हाय हाउ आर यू। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये है मम्मी परी। हाँ मैं हूँ परी की मम्मी। अच्छा तो आपको ये दौरे है वो कब से पड़ रहे हैं? दौरे? हाँ सर 5 साल से। 5 साल से? 5 साल से? 5 साल से दौरा पड़ता है तो आप डॉक्टर के पास गए नहीं? अरे सर आपको क्या करना है, कितनी पूछताछ करते हो, अपना काम कीजिए ना। हाँ काम पे आते हैं। वैसे ये आपकी बच्ची है ना, वैसे मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, बहुत मतलब बहुत बच्चों को, पर ये बच्चा नहीं है, ये जानवर है। तो, आपने मुझे जानवर बोला? I'm sorry, I'm bad, sorry, sorry. वो जानवर की इंसल्ट हो गई ना। ये तो जानवर से भी गई गुजरी है जानवर। अरे इतना ही क्या, इसको अगर मैं बोलू ना कि वहां पर गटर है मत जाना, ये 10 बार वहां बजाएगी और 11वीं बार मुझे आकर बोलेगी कि सर वहां पर गटर है नहीं जाना चाहिए। यस। देखिए कैसी बेशरम है, यस बोल रही है। सर जाने दे। कैसे जाने दे, इसका आंसर पेपर देखिए, यहाँ पर हमने पूछा है क्वेश्चन पेपर में ये है लिखा है कि वेरी सन हाउ मच फार सन अवे। आपको इंग्लिश नहीं आती? यहाँ पर पूछा है कि सूरज कितनी दूर है, तो इसने क्या लिखा है, 2 गली छोड़ के वो छोटे आलू और बड़े आलू अलग अलग करता है। Yes, बड़े आलू। अरे सर उसने बराबर तो बोला है ना, सूरज नाम का लड़का हमारे 2 गली छोड़ के रहता है, सब्जी मंडी में काम करता है, छोटे आलू बड़े आलू अलग अलग करता है। अरे सर आपको कभी आलू चाहिए होंगे ना उसके पास जाओ, बहुत अच्छे आलू मिलते हैं वहाँ पे। हाँ, सर आपने सवाल ही गलत पूछा और बाद में बोलते हो कि बच्चन जवाब गलत दे दिया, ऐसे कैसे सर? देखो कैसे। अरे सर देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है। अरे बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, आप क्यों डांटते हो इन्हें? ये बच्ची ये प्यार की भूखी है? अरे ये ऐसी है कि मुझे बेचकर खा जाइए, प्यार की भूखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी प्राइवेट ट्यूशन क्लास भी है और वहाँ पर मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो उसको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे वैसे वहाँ पर आएगी तो। अभी तो ये छोटी बच्ची है, इसके ऊपर किताबों का बोझ है, बड़ी हो जाएगी तो जिम्मेदारियों का बोझ आएगा, तो अभी से इसको अच्छे मार्क्स लाने बहुत जरूरी है। अरे सर कितना फिलोसोफी चाहते हो आप, अपना काम कीजिए ना, कितना पकाते हैं ये सर, कैसे लेक्चर में बैठे होंगे। दौरे। वैसे जितना मुझे बताना था वो तो मैंने बता दिया, अब ये आप काम कीजिए, ये इसका मार्कशीट है आप लेके जाइए और ध्यान दीजिए अपनी लड़की पे। सर आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब मेरी, मैंने ना बचपन से इस पे कभी हाथ नहीं उठाया। अच्छा। लेकिन अब इसकी पढ़ाई के लिए। हाँ। अरे ये आप मेरे सामने कैसे परी? अरे परी मैंने पूरे स्कूल में तुम्हें ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठी हो। नमस्ते सर मैं परी की मम्मी। परी ये तुम्हारी मम्मी? हाँ। ये कौन है? आप कौन हो? अरे परी तुम तुम्हारा टिफिन घर पर ही भूल कर आई थी इसलिए वो देने के लिए आई हो, और तुम कौन हो मतलब? परी आप कौन हो? ये तो बोल रही है ये परी की मम्मी है। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, दो दो मम्मी है तुम्हारी? ये ना कौन है? रुको तुम हाथ नीचे करो। प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन प्रीति? कौन प्रीति? आप इसे पहचानती हो? हाँ ये मेरी बड़ी बेटी प्रीति। ये आपकी बेटी है? और ये परी की मम्मी है? और आप भी परी की मम्मी? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? ये ना हमारी एरिया की पागल औरत है जो परी को अपनी बेटी समझ रही है। हाँ। इसको दौरे आते हैं, ये पागल औरत है, ये कैसी फैमिली है तुम्हारी? कौन पागल? मैं पागल नहीं हूँ। ये पागल है सर, वॉचमैन को बोलो इसको निकाल दो। वॉचमैन चलो तुम वॉचमैन चल। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर, जब से इस क्लास का टीचर बना हूँ स्कूल का चपरासी बन गया हूँ मैं।
आ गई। अरे चप्पल निकल गई है। बोलो बोलो जरा। ये सब काम मैं ही करूं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और परीज लाइफस्टाइल अब अमेजिंग शॉर्ट्स भी बनाती है, तो उसके चैनल के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, प्लीज जाके उसे भी जरूर देखना। और परीज लाइफस्टाइल के ऑफिशियल मर्चेंडाइज के लिंक भी हमने दी है, जाइए, बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट्स है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चलो और मार खाना। नहीं।